हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को सजग करने के लिए दिल्ली से आए बाइकर्स का एक दल हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों का दौरा कर रहा है ताकि यहां की खूबसूरती और स्वच्छता को बनाए रखने में पर्यटक मदद करें। इसके साथ दिल्ली ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल हिमाचल में बाइक टूर को भी बढ़ावा देगा। बाइकर्स के दल ने बताया कि हिमाचल की खूबसूरत वादियां, यहां की सर्पीली सड़कें पर्यटन को नई दिशा दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर बाइक पर सवार होकर वे हिमाचल पहुंचे हैं तो उनकी थकान सुंदर वादियों को देखकर अपने आप ही दूर हो गई। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले बाइकर्स पर्यटकों के लिए यहाँ वादियाँ स्वर्ग समान हैं। उन्हें नजदीक में खुलकर प्रकृति को निहारने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि वे जहाँ बाइकर्स पर्यटन को उत्साहित करने का भी प्रयास करेंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यटकों से जगह जगह रुककर अपील भी कर रहे हैं ताकि हिमाचल की खूबसूरती को पर्यटक नुकसान न पहुँचाएं। उन्होंने बताया कि केयर माई टूर की ओर से आयोजित ये टूर काफी रोमांचकारी और साहसिक भी रहा है। अंशुल ने बताया कि वे दिल्ली से बाइक पर यहाँ पहुँचे हैं। उनका मुख्य मकसद हिमालय में टूरिज्म को प्रमोट करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और सफाई भी रहेगी। टीम लीडर गुरप्रीत ओब्राय ने बताया कि ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल टूर पर निकला है। उनका मकसद हिमालय में बाइक टूर को प्रमोट करना है। वे जानते हैं कि टूरिज्म का यहाँ कितना महत्व है, लेकिन यहाँ के पर्यावरण और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए वे बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक कर रहे हैं। देश की पहली ई विधान प्रणाली से लेस हिमाचल विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने की तरफ आगे बढ़ रही है। हिमाचल विधानसभा के हर क्षेत्र को भी ई विधान से जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी अधिकारी व विधानसभा क्षेत्र में गैप है, जिसको पूरा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व मुख्य सचिव BK अग्रवाल सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमे ई मैनेजमेंट कमेटी में जो खामियां आ रही हैं उसको दूर किया जाए उस पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ई कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रबंधन बहुत मददगार साबित हो रहा है। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम शुरू हुआ है, लेकिन तालमेल की कमी के चलते कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए विभिन्न विभागों के मुख्य सचिवों व आला अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। इसके अलावा सभी जरूरी कार्य भी ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यालय से सभी सवाल जवाब भी मेल से भेजे जाएंगे, जिससे कागजों का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव BK अग्रवाल ने कहा कि कुमारहट्टी हादसे में सरकारी एजेंसियां और NDRF ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने लोगों की जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुनी और पंचकुला से NDRF का रिस्पांस टाइम संतोषजनक रहा है। इस मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब बरसात के मौसम में सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों में PW विभाग के साथ पुलिस भी निगरानी करेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ऑनलाइन ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का
भंडाफोड़ किया है, जो मासूम लोगों को ऑनलाइन तरीका बीमा पॉलिसी में ज्यादा फायदे का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ऊना पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली से इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीमा पॉलिसी के ऑनलाइन ठगी द्वारा लगभग 27 लाख रुपए ठगे जाने के एक मामले में ये गिरफ्तारी की है। पुलिस की माने तो ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से मासूम और निर्दोष लोगों को अपनी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ये ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था जो पढ़े लिखे तो होते थे, लेकिन उन्हें इंटरनेट या ऑनलाइन की अधिक जानकारी नहीं होती थी और जो आसानी से उनके बिछाए जाल में फंस सके। पुलिस की माने तो ये गिरोह देश की राजधानी दिल्ली से संचालित किया जाता था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से खुलवाए गए बैंक अकाउंट का प्रयोग किया करता था और शिकार लोगों द्वारा उसमें पैसा जमा करवाने के बाद अलग अलग स्थानों से एटीएम के माध्यम से गिरोह के अलग अलग लोग उसे निकालते थे, जबकि कभी कभी गिरोह के लोग पैसा निकलवाने के लिए चेक का भी प्रयोग किया करते थे। पुलिस ने अपनी जाँच में पाया कि ये सारे बैंक अकाउंट जाली दस्तावेज के आधार पर खुलवाए गए हैं और इन दस्तावेजों में प्रयोग किए गए तमाम नाम और पते फर्जी निकले हैं। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली के सीमापुरी और पहाड़गंज से गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस का ये भी दावा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि ये जांच में स्पष्ट होगा कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है या फिर मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।